बहुत मतलब एक्सपेक्टेशन थी कि फिल्म लोगों को पसंद आएगी, बट इतनी ज़्यादा पसंद आएगी और नंबर्स इतने होंगे ये सोचा नहीं था. सो ऑब्वियसली बहुत बहुत खुश हूँ, आई एम रियली थ्रिल्ड एंड ओवरवेल्म्ड. और मैं एक्चुअली बहुत सारे थिएटर जाकर भी रिएक्शन लेके आई हूँ. आई थिंक सिचुएशनल कॉमेडी अगर होती है या कॉमेडी स्पेस में होती है तो ऑडियंस के रिएक्शन सुनाई देते हैं. सो मुझे हमेशा बहुत मज़ा आता है. मैं बरेली की बर्फी के टाइम पर भी गई थी और ऑडियंस के साथ बैठकर पूरी फिल्म देखी थी. इस बार भी मैं गई मतलब मल्टीप्लेक्स थिएटर्स में भी गई और सिंगल स्क्रीन में भी गई और रिएक्शन सुन के बहुत अच्छा लग रहा था. जब वो तालियां, हंसी की आवाज़, सीटियां, वो सब जब सुनने को मिलती है तो आई थिंक दैट फीलिंग इज़ प्राइसलेस. आई थिंक फिल्म को लेकर एक मुझे कमेंट जो है वो ट्विटर पे भी काफ़ी ज़्यादा दिखा है, दैट दिस फिल्म मेड माई डे, या मेरा दिन आज बहुत बुरा जा रहा था बट आई सॉ दिस फिल्म एंड मेड माई डे. सो आई फील ये फिल्म जो है वो थोड़ी फील गुड फिल्म है और हमारा मोटिव ये था कि हम एंटरटेन करें और हंसाएं ऑडियंस को, और अगर उनका दिन बन रहा है इस फिल्म से सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट. दमयंती मुझे नाम पसंद नहीं है जैसा कि आपने फिल्म में देखा होगा, तो आप रश्मि ही बुलाओ. कृति तो रोज़ बुलाते हो, आजकल रश्मि बुला सकते. आई थिंक फिल्म में हमने काफ़ी पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बाहर निकाला है आज के यूथ का. एक सोशल मैसेज भी थोड़ा सा देने की कोशिश की है हंसते खेलते हुए, तो वो काफ़ी ऑडियंसिस ने अप्रिशिएट किया है जैसा कि मैंने रिव्यूज़ देखे हैं. तो आई फील इट्स नाइस दैट पीपल आर फीलिंग दैट मैसेज, यू नो, आफ्टर वॉचिंग अ कॉमेडी फिल्म. So that's nice that they're actually getting that message of live and let live, I would say. ये वारी स्टार्ट. Three more, yeah. Various genres of films, various variety of films, how are you looking forward to the entire year this year? Because last year didn't have any release. Yeah, but this year it started well. Yeah. It started on a very sweet note, which is nice. And the other three films are also very different for me as characters and also as stories, and their flavors, they're very different. So I'm really looking forward to the audience's reaction. I think as an actor, jab aapke liye characters alag hote hain to aapko janna hota hai ki logon ko kaun se characters acche lag rahe hain ya lag rahe hain ya nahi acche lag rahe hain. So whether there's Arjun Patiala or there's Houseful or there's Panipat, they're all three very different from Lukka Chupi also. So I'm looking forward to people reacting. वेल वो तो जब आप देखोगे तब पता चलेगा, बट हाँ मैंने भी पहले सोचा था कि यार मैं पंजाबी हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, महाराष्ट्रियन गर्ल, काफ़ी पोल्स अपार्ट है, कल्चर्स भी बहुत अलग हैं, पहनावा बहुत अलग है, बट एक्चुअली पहनावा जब आता है तो थोड़ी बहुत वो फीलिंग वैसे ही आ जाती है. तो मराठी साड़ी, नथ, खोपा और वो टीके के साथ मैंने जब खुद को पहली बार देखा था तो मुझे भी काफ़ी सरप्राइजिंग लगा था दैट आई कुड लुक लाइक दैट, एंड यू नो दैट स्लाइट मराठी फ्लेवर इन द डायलॉग्स. और है तो हिंदी फिल्म, मराठी फिल्म नहीं है, बट आगे पीछे थोड़े थोड़े हमने डायलेक्ट के लिए, फ्लेवर के लिए कुछ मराठी डायलॉग्स हैं. सो द होल एनवायरमेंट ऑफ दैट सेट इज़ महाराष्ट्रियन, इज़ यू नो ऑफ द मराठास टाइम. सो वेन यू आर इन दैट ऑन दैट सेट यू जस्ट फील इट, यू फील अ पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड. And Ashu sir is amazing, so I'm liking the magic that he's doing around. Thank you. Thank you. Thank you. Any message you want to say? See, I mean, I personally don't believe a lot in Women's Day, and I feel like there's so many things happening around. There's no point of celebrating Women's Day on one day. I think it's like womanhood should be celebrated on all 365 days. And is there a Men's Day?
there is or there isn't. Even if there is, we all don't know. So I feel like the day we have Men's Day is when maybe we should celebrate Women's Day also. Otherwise, what's the point of it? She was asked. Oh, you're? Financial independence is very important. So, who manages your finance? My dad's a CA, so I'm sorted. Thank you, guys. Thank you. Thank you. Thank you. Pass on, kyun kiya phir? पूछो पूछो वन सेकंड भूल गए तो आप हर बार अपना क्वेश्चन भूल जाते हो Well, I'm very, very happy with the appreciation that's coming in, whether it is to do with the film or the performance. I think there are certain roles that sort of, you know, allow you to perform enough for people to sort of notice. I think Bareilly Ki Barfi was one such role, and maybe I get a feeling with the reviews and people's reaction that this might be another one of those. Yeah, I think it feels good as an actor when you're just appreciated and noticed in terms of... your performance and your work that you've done, because every film that you do, you want to grow as an actor. At least that's my motive. I want to like keep growing as an actor. So for me, it's very important if that growth is visible or not. And I'm hoping that people can see it. Dinesh, आपके काफी अच्छे मित्र हैं. उन्होंने गणित किए हैं कि 100 करोड़ हो जाएंगे. मैं बहुत ही ज़्यादा सुपरस्टिशियस हूँ, तो मैं तो ये सब पूछती नहीं हूँ. मेरी खुद की नज़र लग जाती है, तो मैंने उनसे कोई बात नहीं करी है इस बारे में. ठीक है, लास्ट टाइम पूछने से आपको मैं बोलूँ कि लाइक आपने ऐसा सोचा है कि लाइक आप ट्रेडमार्क लेंगे और कॉपीराइट्स ले लेंगे कि बर्फी जो होगी वो आप ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब जो भी सक्सेस हो रही है अगर बर्फी बटेगी तो संतृप्ति कर सकती है. जो भी सक्सेस होगी उसमें मैं बर्फी तो बांटूंगी, क्योंकि बर्फी से सक्सेस काफ़ी हद तक जो है वो थोड़ी चेंज हुई है सक्सेस की डेफिनेशन मेरी लाइफ में. बरेली की बर्फी विल ऑलवेज बी स्पेशल, एंड सिंस आई वाज द बर्फी, आई थिंक आई डू हैव सम राइट ऑफ बांटोइंग बर्फी. थैंक यू. तो मैं बर्फी बांटूंगी. ओके.